तो आज अपन लोग खेलने वाले हैं टग ऑफ वॉर सिम्युलेटर। अब भैया इस वाले गेम के अंदर सर्वप्रथम तुम लोगों को ट्रेनिंग करनी होती है बाइसेप पावर की, ग्रिप पावर की एंड एंड्योरेंस की। एंड देन तुम लोगों को फाइट करनी होती है भैया यहाँ पर इन महान मूर्तियों से। लाइक भाई तुम देख सकते हो यहाँ पर है भैया बिगिनर नूब, यहाँ पर है एमेच्योर, ये क्या है इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल और मास्टर निंजा। सो वेल आज की अपनी वीडियो का टारगेट होने वाला है इस मास्टर निंजा को डिफीट करना। एंड वेल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ टग ऑफ वॉर होने कैसे वाली है। इवन तो पहला राउंड में हारूंगा बट इट डज नॉट मैटर, है ना, मेरी पावर 0 है, उसकी पावर 100 है। लेट्स मतलब अभी देख लो कि कैसे भैया मतलब अब यूज होने वाला है पावर का लाइक दैट एक्चुअली, है ना। सो वेल इसी ही तरह करके अपने वो इस गेम में प्रोग्रेस करनी है। और उसके अलावा जो विंस एक्सेक्टर अपने को मिलेगी उससे यहाँ पर अंडा ओपनिंग करनी है। लाइक पहला अंडा अपना एक निंजा अंडा है एक्चुअली, है ना। यस मतलब अंडे से ही दिख रहा है ना। और ये है अपना लैंटर्न एग। ओके वेल इसको भी देखते हैं ना। बट फर्स्ट यहाँ जाते हैं और इक्विप कर लेते हैं अपनी ग्रिप। और हाँ थैंक यू। और यहाँ पर आकर पहले कर लेते हैं ग्रिप ट्रेनिंग थोड़ी सी ताकि अपने को पावर इंक्रीज मिले। और एक्चुअली वेट यहाँ तुम देख सकते हो भैया अपने को मिल रहे हैं +1 ग्रिप, बट वहाँ तुम देख रहे हो अपने को 2 ग्रिप मिल रही है। अच्छा हाँ मेरा यहाँ पता नहीं असम हाउ अच्छा 2x ट्रेनिंग वीक चल रहा है, दैट्स वाई जो भी मेरी ट्रेनिंग होगी वो 2x होगी। डैम दिस इज गुड एक्चुअली, है ना। ऑलराइट बल पसंद आया मेरे को, है ना। अब बल इसके अलावा अपन लोग कर लेते हैं थोड़ी बाइसेप ट्रेनिंग। वेयर इज बाइसेप बाय द वे, वेट इन हियर, ओ या डेफिनेटली एक्चुअली, है ना। आ जाते हैं ये ले लेते हैं और थोड़ी सी कर लेते हैं बाइसेप ट्रेनिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉयज मतलब डोले शोले होना भी जरूरी है ना। मतलब यूं तो है ना कि भैया उनके सामने जाके ऐसे ही कूद जाऊंगा कि गाइस कम लेट्स पंजाबाजी, नहीं हराम जाते पानी में फेंक देंगे मेरे को। सो यप अपने को थोड़े बहुत डोले शोले भी बनाने पड़ेंगे। और उसके अलावा लेट्स ट्रेन आर एंड्योरेंस, बोले तो अपना स्टेमिना, बोले तो स्पीड। यप हाँ या इसी ही से अपना एंड्योरेंस इंक्रीज होगा। और भाई यो देखो ऐसा नहीं लग रहा चोट आ गया था साला ट्रेनिंग ले रहा है उसकी, ट्रेनिंग ले रहा है उसकी। एंड वेल इतनी सी ट्रेनिंग के बाद अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 56। ये कतई भी इनफ नहीं है। तो वेल एक्चुअली काम कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ स्पिन व्हील में और इसको स्पिन कर लेते हैं। यहाँ फ्री का एक अंडा मिलेगा जो इस वाले वर्ल्ड का नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। मतलब मिलेगा नहीं ऑब्वियस सी बात है, बट मतलब बता रहा हूँ बस कहने वाली बात है ना। ऑलराइट तो वेल अपने को मिल चुकी है भैया 100 स्ट्रेंथ और 3 पोशन मिले हैं अपने को एक्स्ट्रा लक के। वेल सही है अंडा ओपनिंग होगी देन ही काम आएंगे, है ना। ओके फ्री की 25 बेन्स बट ये पसंद आया मेरे को, है ना। एंड लास्ट स्पिन 100 अपने को एंड्योरेंस अगेन मिल चुकी है, अपनी एंड्योरेंस हो चुकी है 224। अपन चाहें तो भैया इस बिगिनर को बड़े आराम से घसीट सकते हैं, बट एक्चुअली हाँ अगर कर सकते हैं तो ससुरे को पहले घसीट ही लेते हैं ना, पहले अपना इंतकाम ले लेते हैं और देन कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी। हाँ बोल ब्रदर हमको पानी में फेंकेगा है साले तेरे को मैं बताऊँ। ओके तो इस बंदे को ज़्यादा डिफीट करने का मतलब है ना है क्योंकि साला एक विन दे रहा है, एक विन का मैं अचार डालूंगा के। एंड देन उसके अलावा इस बंदे से फाइट करने के लिए अपने को नीड होने वाली है 1000 स्ट्रेंथ की। ऑलराइट वेल ब्रदर तेरी 1000 स्ट्रेंथ भी मैं कर लूंगा, आराम से कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर डेली में आ जाते हैं और 25 पोशन अच्छा 25 विन्स। ओ वेल भाई अपने को फ्री में इतनी सारी विन्स मिल गई ऐसे ही खेलू क्या 100 पावर बाइसेप 3 विंस 100 रिप्स एमर वीडियो समुराई है गया बट वेट इन मट। वेल ये वाला अंडा दूसरे वर्ल्ड का भाई एक्चुअली, है ना। सो यप लेट्स क्लेम दिस एक्चुअली। और इसके अंदर अपने को मिलेगा रेयर बंदा समुराई बंदा जिसकी स्ट्रेंथ है 500 सॉरी अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है ओके 100 एंड्योरेंस भी ले लेते हैं। और इस पैट की स्ट्रेंथ 4.1 या डेफिनेटली ये बंदा बहुत ओपी होने वाला है ना। सो वेल यहाँ मैं क्यों बेस्ट नहीं कर सकता, नो पैट कर सकता हूँ क्यों बेस्ट नहीं कर सकता वो ये बड़ा ही ट्रिपी ऑप्शन है बट है एक्चुअली, है ना। ऑलराइट तो वेल अब अपने को कितनी मिलेगी ये स्ट्रेंथ एक्सेप्ट और वेट इन द हैक ये
ये क्या है? अच्छा इंडेक्स, ओके। हाँ तो यहाँ आ जाते हैं और इसको भी इक्विप्ट कर लेते हैं और अब अपने को मिलनी चाहिए +16। यप, मतलब इस हिसाब से भैया 1000 करना कोई बड़ा टारगेट नहीं है अपने लिए, है ना? अभी बस चुटकी बजाते ही। बट वेन मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, थोड़ी सी रिवर्थ पे लेते हैं जिसके लिए अपने को नीड होने वाली है विंस की। एक्चुअली नहीं, ठीक है मैं ये नहीं कर रहा, पहले अपन भैया अंडा ओपनिंग करेंगे ताकि थोड़े स्ट्रॉन्ग बने और अंडा ओपनिंग के लिए 150 और 700 या तुमने इनवर्ट। अच्छा ये अलग है और वो अलग है भाई, दो तरह के। ओ डैम, सही है भाई, एक्चुअली है ना यहाँ दो तरह के अंडे हैं, पसंद आया मेरे को, है ना? ऑलराइट वेल यहाँ आ जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन, तीन तो नहीं कर पाऊंगा डेफिनेटली, है ना? राइट हाँ यह है एक्चुअली, या डेफिनेटली ऑटो भी तो नहीं दोगे या सब चीज़ें लेनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी, यही दे दो, लेट्स ओपन दिस, है ना? अपने को मिला कॉमन निंजा, वेल नहीं मेरे को यार कम ऑन एक खतरनाक दे दो, थैंक यू, मुझे यकीन हो चुका है तुम नहीं दोगे। एक 25 वाला ओपन कर लेते हैं, क्या पता इसमें अपने को कॉमन मिल जाए, या ये तो ऑब्वियसली है कॉमन, तो मतलब या दोगे ही दोगे, है ना? बहुत ही सही, सही है, वन निंजा एग इक्विप्ड। इनवर्ट भाई वो निंजा एग इक्विप्ड कैसे आया था? हाँ मैंने मतलब कर लिया उसको, या फिर निंजा एग ही मिल गया मेरे को, समझ में ना आया मेरे, बट स्टिल बैठ रहा है ना। ऑलराइट तो 2.1x 1.16x एंड मेरे हिसाब से तीन ही कर सकता, नहीं चार कर सकते हैं, नाइस एक्चुअली, है ना? एक एक करके इन सभी को इक्विप्ड कर लेते हैं और अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेते हैं, और उसके अलावा क्या मैं इसको, अच्छा अब इक्विप बेस्ट का ऑप्शन आ रहा है एक्चुअली, है ना? और क्या मैं उसके अलावा भैया इस बंदी को क्राफ्ट एक्सेट्रा कर सकता हूँ? मेरे पास बड़े तो बहुत हैं एक्चुअली, नहीं लिमिट नहीं कर सकते, भाड़ में जान दो, है ना? एंड वो लोग अपने को मिल रहे हैं 23 पर क्लिक, यप ये बहुत है, ये बहुत है एक्चुअली, है ना? ऑलराइट तो मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, अपनी बाइसेप पावर को 500 कर लेते हैं और देन थोड़ी सी ग्रिप ट्रेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी जरूरी है भाई, है ना? एंड उसके अलावा वही भैया मतलब अपना आर्म रेस सिमुलेटर की ही तरह इसमें भी अपने को भैया ये करने पर, जैसे जैसे अपन एक सर्टेन अमाउंट की पावर कर लेंगे देन अपनी एक नई इक्विपमेंट अनलॉक हो जाएगा। यप एक्चुअली गेम तो पूरा ही वैसा है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, जैसे उसमें अपने को पंजाबाजी करनी होती है, इसमें अपने को रस्साकस्सी करनी होती है, लाइक दैट एक्चुअली, है ना? लाइक दैट। ऑलराइट वेल 400 कर लेते हैं और देन अब इसके बाद अपन इसको भी ट्राई करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स कम हियर और इस एमेच्योर बंदी को बता देते हैं कि ब्रदर ये रस्साकस्सी होती कैसे है, लाइक दैट ब्रो, डूबेगा ब्रो, डूबेगा एक्चुअली, है ना? 5 विंस मिल चुकी है और उसके अलावा इस असैसिन गर्ल वीट, क्यूट है, ओके छोड़ो इसके क्यूटनेस को बाद में निहारेंगे, बट पहले इसको डिफीट करने की सोच लेते हैं, बट उसके लिए अपने नीड होने वाली है भैया 7.5 के स्ट्रेंथ की, बहुत है, बहुत है, बहुत ही ज्यादा है एक्चुअली, है ना? बट ये अब अपन लोग भैया नया इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, अपने को ज्यादा पावर मिलेगी और उसके अलावा मेरे पास हो चुके हैं 9 विंस, तो या लेट्स ओपन वन मोर एग, का पता अपने को एक मिथिकल मिल जाए, ओके वेल रेयर भी बुरा नहीं है एक्चुअली, है ना? रेयर भी बुरा नहीं है एक्चुअली, है ना? तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, क्यों बेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ओके इसको अनइक्विप कर लेते हैं और हाँ या ओके, सो वेल ये रहे अपने बंदे 1.5 1.6 2.1 और 4.1, डेफिनेटली ग्रेट एक्चुअली, है ना? एंड वेल क्लेम में आ जाते हैं और एक ये गुलाबी पोशन किसका है, शाइनी लक पोशन, ओके ये ट्राई करना पड़ेगा डेफिनेटली एक्चुअली, है ना? ऑलराइट तो वेल अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 1.80 के और उसके अलावा इस वाले डंबल को लेने से अपने को ज्यादा पावर मिलेगी, राइट? यस मेरे हिसाब से 6 रिप्स और उसके अलावा अपनी मल्टीप्लायर तो अपने को मिलेंगे 75 पर क्ले, बट वेल उस असैसिन को हराने के लिए अपने को ज्यादा पावर चाहिए एक्चुअली, है ना? सो एक काम कर लेते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते हैं, ग्रिप ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। एंड वेल उसके अलावा थोड़ी सी एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कर लेते हैं।
अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 8000 और अब अपन लोग इस क्यूट गर्ल को बड़े आराम से हरा सकते हैं। भैया क्यूटनेस पे ना जाओ, असासिन है पता चला भैया, रस्ता कसी के टाइम मेरे चक्कू फेंक के मार दिया और उसकी स्ट्रेंथ है सिर्फ 5K। यू आर डेफिनेटली डेड एक्चुअली है ना, यू आर। एंड विल इसको डिफीट करके अपने को मिली भैया 25 विंस। और मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं अपन लोग, ये वाले अंडे ओपन करते हैं ना कि भैया वो वाले, क्योंकि मुझे लिटरली फील ना आ रहा कि उनमें पावर है ना। इनमें डेफिनेटली पावर है, भर भर के पावर है एक्चुअली, तो मैं इन्हीं को लूंगा। और उसके अलावा क्लेम कर लेते हैं 50, और इसके लिए चाहिए 150 है ना। ओके okay, कोई 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 कलिश नहीं है। थोड़ी देर अपन निंजा असासिन गर्ल को हरा लेते हैं। निंजा असासिन गर्ल, सिंपली असासिन कह लो भाई, या फिर गर्ल कह लो, या फिर निंजा कह लो, तीनों मिला के कह, नेवर माइंड। ऑलराइट, 12 ऑटो फाइट पे लगा देते हैं इस निंजा असासिन गर्ल्स के ऊपर, क्योंकि या तुम्हें फील आ रहा है 1% भी कि वो मुझे डिफीट कर सकती है? मुझे कतई नहीं आ रहा लिटरली, है ना। ओके सो इस बार इसको डिफीट कर देते हैं और अब अपने को मिलेंगे यप 154। वेल दैट्स इनफ भाई, मान जाओ यार, बंद करो भाई इसको। नहीं और नहीं फाइट करनी हमको। ओके ये बहुत है भाई, जितनी कर ली उतनी बहुत है ना। यहाँ आ जाते हैं, ये वाला अंडा ओपन कर लेते हैं। गिव मी भैया समुराई, सिर्फ समुराई नहीं कुछ खतरनाक वाला एक्चुअली, बट वेल ये भी बुरा नहीं। आ जाते हैं यहाँ पर, आने क्यों इक्यू बेस्ट। एंड यप अब अपन की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा हो चुकी है, बट वेल इतने में काम नहीं चलेगा भाई, एक्चुअली और स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि जो अपना अगला बंदा है वो है भैया स्पाई, एंड उसके लिए अपने नीड होने वाली है 75K स्ट्रेंथ की। तो यार एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर निंजा असैसिन गर्ल को ही हरा लेते हैं। ऑलराइट, तो वेल अब अपने पास हो चुके हैं 2100 विंस, यानी वेल अपन अपने लिए चाहे तो ये 3700 वाले अंडे ओपन कर सकते हैं। वेल कर सकते हैं क्या भाई, कर लेते हैं एक्चुअली, है ना, जिसमें भैया पहली ट्राई में अपने को एपिक मिल गया, और जो भाई नॉर्मल अंडा नहीं है, खतरनाक वाला अंडा है अगेन। ओके अच्छा, एपिक बंदा भैया कॉमन की लिस्ट में, तभी मैं कहूँ भैया इतना अच्छा लग कैसे हो गया मेरा। ओके ये है अपना ब्लू वाला, ये लकी है एक्चुअली, ये है एक्चुअली, है ना। ऑलराइट, तो इसको इक्विप्ड, अच्छा नो पैट करो यार सिंपली एक्चुअली, है ना। और उसके अलावा कर देते हैं इक्विप बेस्ट एंड 7.4x। यस डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। तो आ जाते हैं यहाँ पर एंड 500 ये क्लेम कर लेते हैं, और उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं और अपने वो एक दो पोशन मिले थे, राइट। वेल लेट्स ट्राई एक्चुअली। ओके ग्रीमर शेक पैड 1500 स्ट्रेंथ, 500 रोबक्स में, नॉट बैड एक्चुअली, है ना। ऑलराइट, तो वेल मेरे को पोशंस दिखाओ। एक्स्ट्रा लक नहीं चाहिए, ट्रेनिंग वाला नहीं है, शाइनी लक, कम ऑन मेरे को यार ये ट्रेनिंग वाला चाहिए था। ऑलराइट ग्रेट एक्चुअली, अब अपने को वेट करना पड़ेगा इसी ही तरह, है ना। ओके नेवर माइंड एक्चुअली, है ना। एंड उसके अलावा मैं इनको भी ओपन कर सकता हूँ, बट नहीं एक्चुअली, ठीक है अपन लोग ग्राइंडिंग कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं और एक फ्री का पैड, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत होगी मेरे हिसाब से, राइट, है ना। 45x डेफिनेटली, इसको कर देते हैं यानी क्यूब्ड, हाँ। और इस बारे को कर लेते हैं इक्यूब्ड, एंड मतलब अपने चारों ही बंदे भैया एपिक है। हेलो, मेरा चौथा बंदा मर गया क्या? यहाँ तो चारों है भैया, तो ये गया कहाँ भैया? हेलो ये गैस घूमने गया होगा, नेवर माइंड एक्चुअली, है ना। ऑलराइट, तो एक काम कर लेते हैं, आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन, नहीं मैं एक्चुअली बाइसेप करना चाहूँगा, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा एफिशिएंस रहेगा एक्चुअली, है ना। एंड वेल अब अपने 972 पर क्लिक, एंड उस वाले बंदे के लिए कितना चाहिए था अपने को? 75। वेट कर ब्रोदर, वेट कर, मैं आ रहा हूं तेरे पास। एंड वेल अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 146K, यानी स्पाई को तो मैं बड़े आराम से डिफीट कर सकता हूं, बट उससे पहले लेट्स कम हियर एंड एंटर अ कोड, जो है अपना कॉस्मो ब्लॉक्स, जहां तक मेरे को याद है एक्चुअली, है ना।
एंड इसकी मदद से मेक श्योर यू फॉलो नैंदू मैनू नहीं चाहिए एक्चुअली है ना, कोड वगैरह बाकी तो है नहीं यहाँ पर, तो लिमिट छोड़ो अपन स्पाई को ही डिफीट कर लेते हैं और अपनी शक्ति प्रदर्शन कर लेते हैं बस। बरोबर स्ट्रांग हूँ तेरे से, या डेफिनेटली एक्चुअली है ना भाई कहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ और कहाँ मेरी जितनी स्ट्रेंथ, यू आर डेड ब्रो, यू आर डेड एक्चुअली है ना। नहीं ना, उसकी 50 है, मेरी उससे 3 times ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है वो हारेगा है ना। और वेल इसको थोड़ा बहुत और डिफीट कर ले, वैसे ज़्यादा मतलब बनेगा नहीं उसका है ना, छोड़ो जब स्टार्ट हो गया तो लेट्स कंटिन्यू। एंड वेल उसके अलावा जो अगला बंदा है अपना, जो अपना फाइनल बॉस है जिसका आज अपना टारगेट था, जो निंजा उसके लिए मेरे को कितना चाहिए, हाँ ये रहा वो 750 की शिट, इसमें टाइम लगेगा और मे भी नहीं लगेगा, यहाँ पर 30 मिलेगा और पर रिप अपने को मिलेंगे 3.64 के। ओके यू आर डेड ऑल्सो ब्रदर, क्योंकि तेरे लिए चाहिए 750 है ना, एंड जिस स्पीड में मैं करूँगा यू आर ऑल्सो डेड एक्चुअली है ना। वन अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 827 के और उसकी 750 और इवन तो उसकी खुद की भी स्ट्रेंथ कम ही होगी, या असाइन नहीं हो 500 गया ब्रो गया, इस बार तू लावा में जाएगा, लावा में चलेगा ब्रो तू लावा में एक्चुअली है ना। एंड इसको डिफीट करके अपने को डैम बहुत मिले यार 650, तो एक्चुअली काम कर लेते हैं, लेट्स ओपन 700 वाला अंडा, या पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि इसमें कुछ मिलेगा मेरे को है ना। हाँ लेट्स ओपन इट एंड ग्रीन ओनी जो है अपना यप डेफिनेटली मुझे लगा ही था इसमें कुछ मिलेगा खतरनाक है ना। सो वेल इस वाले को, हाँ इस वाले को कर देते हैं यानी क्यूट एंड वेलअप कर लेते हैं क्यों बेस्ट और यस ये वाला स्ट्रॉन्ग है ठीक है जैसा मैंने कहा था। एंड वेलअप अपनी टीम बन चुकी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एंड उसके अलावा अगला एपिसोड में अपन लोग जाने वाले हैं अगले वर्ल्ड में, बट आज के लिए बस इतना ही।